हेलो साहिल भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया विकास भाई, आप बताओ। भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जी भाई, सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि साहिल भाई के साथ ऑलरेडी हमारे एक पॉडकास्ट आ चुका है जो कि जिम से रिलेटेड था। काफ़ी ढेर सारी बातें हमने की, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे तो साहिल भाई ने काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई, इनके खुद के एक्सपीरियंस, इनके दोस्तों के एक्सपीरियंस जो कि पैरानॉर्मल थे। एंड दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, अभी रात के 2:46 हो रखे हैं, लगभग 2:45 अभी हम शूट कर रहे हैं रात को, और एक हॉरर पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो साहिल भाई, आपने ना थोड़ी थोड़ी आधी अधूरी मुझे स्टोरी बताई है, मैं चाहता हूँ कि भाई उन्हें पूरी बताओ। सबसे पहले बेसिकली आपके पास 3 स्टोरीज हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके दोस्त के साथ कुछ घटना हुई थी उनके बारे में, कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ओके, सो डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो मेरी फ्रेंड है, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका। सो दैट्स माय फीमेल फ्रेंड एक, एंड समहाउ हम एक दिन बैठे हुए थे एंड ऐसे ही किस्से चल पड़े हैं। तो वहाँ पे शी टोल्ड मी समथिंग यू नो वेरी वियर्ड। तो आई वाज लाइक कि ओके, ये चीज़ें तो थोड़ा सा मतलब ओके, सो बीइंग अ साइंस रिलेटेड स्टूडेंट, ठीक है, तो मुझे हमेशा ही ना इन चीज़ों पे, अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बता रहा हूँ ना, तो इट इज़ गारंटेड क्लियर कि वो कुछ नॉर्मल तो नहीं है। सो जैसे मैं स्टोरी को आगे बढ़ाऊँगा, यू विल फील इट कि भाई कितना अलग था, ठीक है जी। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई वो घटिया कहानी नहीं है कि स्लीप पैरालिसिस हो गया, ये हो गया, मतलब वी अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ स्लीप पैरालिसिस, है ना। तो चलो, कमिंग बैक टू दैट स्टोरी, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, तो जो मेरी फ्रेंड है ना, तो उसके बुआ जी एंड फूफा जी जो हैं, तो उनके घर पर ना कोई बच्चा नहीं था। तो दे प्लान्ड टू अडॉप्ट हर, ये जो मेरी फ्रेंड है ना, इसको अडॉप्ट करना उन्होंने प्लान किया। उससे पहले मैं ये बता दूं कि उनके दो बार दे ट्राइड फॉर द बेबी, तो दो उनकी लाइक डेथ हो गई थी इन वेरी स्टार्टिंग ओनली लाइक 4-6 महीने में। सो उनके जो बेबीज थे वो सर्वाइव नहीं करते थे फॉर सम रीज़न, एंड बीच में एक आधा जो उन्होंने बताया कि मिसकैरेज भी हो गया था। तो सम हाउ दे वर नॉट यू नो हैविंग अ बेबी, सो ड्यू टू सम रीज़न्स, है ना। तो उन्होंने जो भी है मेडिकल हेल्प भी ली, वो सारा कुछ भी लिया, तो चीज़ें ठीक नहीं बैठ रही थी। तो एंड ऑफ द डे दे प्लान की इसको अडॉप्ट करने के लिए, बिकॉज ये जो है देवर 3 सिस्टर्स, 3 बहनें थी। तो फिर देवर लाइक ये सबसे छोटे दोस्त थी, हाँ वो 3 बहनें थी। तो उन्हें था कि जो सबसे छोटी वाली है इसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग पाल पड़ोस, हमारा भी बच्चा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सीरियसनेस पे स्टार्ट होती है। तो एट दैट टाइम ये जो मेरी फ्रेंड थी, ये थी अप्रॉक्सीमेट 7 या 8 ईयर्स की, है ना। सो इतना सा बच्चा था ये, तो वो लोग ले गए इसको अपने घर पे, एंड उनके वो गांव का घर था एक, बट इट वाज अ वेरी बिग, है ना, क्वाइट बिग हाउस। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो जब शी वेंट देयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कुछ चीज़ें वियर्ड स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे भाई? ओके, तो जैसे कि जो उन्होंने मुझे बताया कि पहले ही दिन शी स्टार्टेड टू हेयर समथिंग, उन्हें कुछ सुनाई देता डे वन से ही, ठीक है। जैसे इसको एक बच्चे के प्रस्पेक्टिव से देखें तो ऐसा मान के चलो कि बस कुछ आवाज़ें या कोई, है ना, हवा तेज़ चल गई, व्हाटएवर, कुछ ऐसा ले लो। ओके, बट जैसे चीज़ें आगे जाके क्लियर हुई, तो नाउ शी रियलाइज दैट समवन वाज ट्राइंग टू टॉक टू हर। कोई कुछ बोल रहा था, बोलने की कोशिश कर रहा था, बट वो एक दैट वाज अ विस्परिंग साउंड, तो वो ढंग से समझ में नहीं आ रही थी। बट हाँ, ये नॉर्मली मतलब बहुत इजीली हो रहा है उसके साथ, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एंड वो एक बच्चा है, वो कम ध्यान देता है इन चीज़ों पे, ठीक है, जो भी है वट एवर, है ना, ठीक है। तो लगभग एक आधा हफ्ता निकला, उसके बाद क्या हुआ, सो जैसे उनके ना लाइक घर में ना एक बड़ा सा वो था, एक कमरा, बहुत बड़ा सा कमरा, है ना, ऐसे लेंथ वाइज बड़ा था वो कमरा। तो व्हाट शी सेड इज कि मेरे को उस कमरे में ना, ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको लग रहा है कि इस कमरे के अंदर कुछ है, है ना, तो आप उस कमरे में हर एक जगह पे जाने से डरोगे, है ना, दिस इज हाउ इट गोज, है ना। बट उसने हमेशा मुझे एक ही चीज़ बोली कि इस कमरे के इस एक राइट कॉर्नर पे शी ऑलवेज फेल्ट समथिंग। ओनली कमरे के एक ही कॉर्नर पे, एक ही कॉर्नर पे हमेशा,
बाकी कमरे में कुछ भी नहीं, एंड इट वॉज अ लिटरली वेरी यू नो लाइक क्वाइट लॉन्ग रूम, जैसे विलेजेस में होते हैं लंबे लंबे कमरे से बने होते हैं ना, तो ये क्या करती थी पूरे कमरे में मान लो घूम लेती थी, वहाँ पे ये नज़रें भी नहीं मिला पाती थी, शी वॉज लाइक कि वहाँ से मुझे कोई देख रहा है राइट कॉर्नर से, हाँ उस राइट कॉर्नर से। तो वो एक ऐसा स्पॉट था कि जहाँ पे ना तो ये जाती थी, एंड इसको हमेशा रहता था कि कोई ना कोई देख रहा है, मतलब समथिंग इज हैपनिंग। फिर वो ये कि बच्चा डर के बाहर भागता है, फॉर एग्जांपल मान लो इसकी जो बुआ जी है वो बोल देते थे कि कुछ अंदर से उठा ला, है ना, तो लच्छे अगर ये अंदर जाती थी तो ये ट्राई करती थी उस साइड को ना जाना पड़े, उठा के भाग लिया, चाहे दिन भी हो बाहर को भाग लिया, तो शी यूज टू अवॉइड एज अ किड, सोच के चलो कि आपको जहाँ पर डर लगता है वहाँ से भागने को करते हो ना, तो वही चीज़ वहाँ हो रही थी उसे अवॉइड करती थी। ओके, तो दैट वॉज वन स्टेप अहेड, है ना, तो पहले तो विस्परिंग एंड देन कुछ ऐसा कि समवन इज नोटिसिंग यू, कोई आपको देख रहा है, ये सब स्टार्टिंग के कुछ डेज में, हाँ विद इन वन वीक ये इट स्टार्टेड, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब वो ये कि इग्नोर किया, नॉर्मली बच्चा क्या बोलेगा, अगर बच्चा किसी को बताए भी तो कोई कौन मानता है, आप मान लो 7-8 साल के बच्चे की बात, सपना देखा होगा, कुछ भी कुछ भी बोल रहे बच्चे, कहानी कर रहे हैं, मजाक में ले लेते हैं, हाँ एग्जैक्टली ये चीज हुई। फिर क्या हुआ, अब जैसे आगे थोड़ा और टाइम बढ़ा, तो थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, ओके सो आई विल गेट डायरेक्ट, छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो बहुत हुए, मैं डायरेक्टली बड़े वाले पे आता हूँ, है ना, कि जो मेन है जो लाइक है ना। तो क्या हुआ, वन नाइट शी वॉज स्लीपिंग विद हर फूफा जी, ठीक है, तो चारपाई होती है ना, जैसे आप समझते हैं चारपाई, तो गाँव में चारपाई होती है ज़्यादातर, तो उसके फूफा जी एंड वो दोनों ना उस चारपाई पे सोए होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उसे कुछ सोते सोते उसको, उस लड़की मेरी फ्रेंड को, उसको फील हुआ कि शायद किसी ने उसको दबाया, किसी ने दबाया उसको। तो अब इसको नॉर्मली हम स्लीप पैरालिसिस के साथ लेके चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको हो जाता फील होता है छाती पे, हाँ, कोई कुछ है, या भारी मन लगता, हाँ, है। सो बेसिकली स्लीप पैरालिसिस का प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अपने पास है, हमारा ही लाइक माइंड उठ जाता है बट बॉडी नहीं उठ पाती है, सो दैट इज स्लीप पैरालिसिस, सिंपल है ना, तो दैट इज क्वाइट सिंपल। ओके, सो ये हुआ तो उसने मतलब ठीक है थोड़ी देर के लिए हुआ, एंड नेक्स्ट डे शी टोल्ड हर फूफा जी कि ऐसे ऐसे समथिंग हुआ, तो उन्होंने लाइक कुछ भी नहीं इग्नोर किया, बट ठीक है चलो हो जाता है व्हाटएवर, है ना, इट वेंट सिंपल। ओके, सो थोड़े दिनों के बाद अगैन व्हाट हैपेंड इज, नाउ दिस नॉट द मेन थिंग, अब क्या हुआ, दोबारा वही चीज़ हुई, सेम चीज़, बट दिस टाइम इसकी आँखें खुली। ओके, एंड दिस वॉज लिटरली व्हाट शी टोल्ड मी, ओके मैं हंस रहा हूँ इसको, बट थिंग इज कि दिस इज़ वेरी क्वाइट सीरियस, जस्ट इमेजिन करो अगर ये आपके साथ होता है। तो जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने ये देखा कि उस चारपाई के पास देर वॉज अ टॉल वुमेन स्टैंडिंग, कोई साया नहीं, कोई काली परछाई नहीं, कोई वाइट कपड़ों में, कोई वो नहीं, एक लंबी सी एक औरत उसे दिख रही है, ब्राउन बाल थे जिसके खुले हुए, एंड शी लिटरली एक्सप्लेन्ड दिस थिंग कि उसने मुझे नॉट लाइक दिस ऐसे क्रॉस करके मेरी छाती को पकड़ा हुआ है, क्लियरली उन्हें दिख रहा है कि एक लेडी ही हैं, हाँ बड़े बड़े बाल, काफ़ी लंबी, लंबे हाथ, एंड उसने ऐसे करके मेरी छाती चेस्ट को पकड़ा हुआ है, एंड शी इज़ प्रेसिंग इट ऑन मी, एंड वो आंखें खुल गई, बॉडी का और भी कुछ भी पार्ट चल नहीं रहा, फूफा जी साथ में सोए हुए हैं उसके, आंखें देख रही चीज़, हाँ आंखें ये चीजें देख रही हैं, ओके, एंड शी इज ट्राइंग टू गेट सम हेल्प बट उठा नहीं जा रहा, वो ये कि मे बी बॉडी स्लीप पैरालिसिस में हो सकती है, बट आंखें ये चीजें यू नो देख पा रही हैं ये सब कुछ, एंड कोशिश कर करके समहाउ उसने अपने फूफा जी के ऐसे ना समहाउ हाथ मार दिया, एंड मतलब वो ये कि बच्चा है तो थोड़ा ना ऐसे मतलब कांपने से भी लग गया, वो सारा कुछ हुआ, तो उसके फूफा जी भी उठे, तो व्हाट हैपेंड इज, तो जगाने लगे सारे ना, तो उन सबको तो वही दिख रहा कि शायद ये दबाव में, कहते हैं ना भी हाँ भी सपने में कुछ देख रहे ऐसा, तो उसको हिला रहे भी, उठ जा क्या होगा, उसके बुआ जी भी आ गए, सेम ही चीज़ वो कर रहे कि उठ जा क्या होगा, ऐसा है ना गाल पे थप्पड़ से मार के कि हाँ उठ जा, बट वो ये कि उसी वो चीज़ दिख रही है कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रही है, मैं कैसे उठूँ, उसका सांस रुक रहा है कि जैसे उसका गला भी दब रहा है साथ में, वो देख पा रही है बट उन लोगों को ये चीज़ लग रही है कि वो उठ नहीं रही है, समो सपने में है, ठीक है। तो समहाउ वो एकदम जागी, उसके आवाज़ जोर से चीख मारी उसने, वट एवर है ना हुआ,
तो उसने उठते ही एक चीज़, मतलब उसकी जो आवाज़ निकली, पहली आवाज़ ये थी कि मुझे ये दबा रही है। दिस वॉज द वर्ड जो उसने, सेंटेंस जो उसने बोला। एंड ये होते ही है ना, ओके, स्लीप पैरालिसिस है, सारा कुछ मान लिया, चलो मैं फिर भी मान लिया कि ये वहम है, छोटे बच्चे का वहम है, ये मान लिया। बट इस टाइम पे कैन यू बिलीव उसके फूफा जी ने क्या किया, उन्होंने साथ की साथ अपने बेड के नीचे से एक डंडा निकाला एंड उसको ज़मीन पे पटकते हुए बोला, कौन है, सामने आओ, क्या कर रखा है तुमने ये, तुम हमारा घर को चलने क्यों नहीं दे रहे हो। मतलब कैन यू बिलीव, एक बंदा जिसने अभी तक कोई बात नहीं की, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होके किसी से लड़ रहा है। इसका मतलब उन्हें पहले से कुछ ना कुछ पता होगा। अगर जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन द सेम सिचुएशन, आप डर जाओगे, बच्चा पानी पी जा, सो जा बेटा, कुछ नहीं, ऐसा उसे समथिंग ऐसा करके ख़त्म करोगे। लेकिन हम ही बोल रहे कि नहीं ऐसा मत कर, या कौन है तू बुला, इसका मतलब हमें डाउट है या तो पता है, या पता है, मतलब कुछ तो है कुछ कि तो हमें है। पता है ना। तो दिस इज व्हाट दे ही डिड एंड वो लिटरली, मतलब आधी रात को बंदा किसी से लड़ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद वो जो भी था वो चला गया, छुके जो भी है ना, सारा कुछ। तो अभी क्या हुआ, अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी और वियर्ड होनी शुरू हो गई कि मतलब ये क्या था, कैसे था, है ना, जो भी था। तो अब वो बच्चा था ना जो मेरी फ्रेंड थी, वो तो उसके तो सदमा बैठ गया उस चीज़ का, ठीक है। तो क्या हुआ आगे जाके, उसको थोड़ा सा लाइक है ना पैम्पर किया, वटैवर है ना, थोड़ा सा उस पर और ध्यान देने लग गए। तो ये क्या था, ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या थी ना, कैसे क्या फिगर आउट हुआ है ना, थोड़ा सा इसको और जो मेन मेन आगे प्रॉब्लम चीज़ें चीज़ एंड वो बताता हूँ मैं उसके बाद, है ना। जी तो ये हुआ, चलो इसको भी संभाव निकाला। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद उन्होंने लाइक ये प्लान किया कि इसको अकेली को नहीं छोड़ना है, तो या तो उसके फुफा जी हमेशा साथ में रहेंगे चाहे दिन हो या रात, या उसके बुआ जी रहेंगे साथ में, है ना। सो दोनों में से कोई भी एक बंदा उन्हें भी डर इस, होगा किसी चीज का। हाँ, कि एक बंदा इसके साथ रहेगा हमेशा ही। तो अब क्या हुआ कि दिन का टाइम था, सो कुछ दिनों के बाद है ना, मे बी एक आध महीने के बाद, वट एवर, ओके, मैं वापस आना चाहूँगा एक बार। तो अगर ये कोई जिसको नहीं पता हो, तो कुछ जगह पे ये चीज़ें मानी जाती है कि अगर आप भूत प्रेत, अगर इन चीज़ों में मान लो बिलीव करते हो, अगर आप इनके आगे लिटरली इनके एंटी खड़े हो जाओ, मतलब इनको डांटो, डराओ, धमकाओ, तो वो चले जाते हैं। तो वट आई कुड बिलीव इज कि जो उसके फूफा जी ने ये चीज़ की थी, तो शायद इसी वे में की होगी कि मतलब कि हाँ, मतलब वो चीज़ें चली जाए, है ना। चली जाए। क्योंकि यार ये बिलीव है, एक दिस इज़ अ बिलीव कि अगर आप नेगेटिव के आगे पॉजिटिवली रिएक्ट करोगे तो इट गोज अवे, ठीक है। ऐसा कहा जाता है भाई, क्योंकि मैंने भी काफ़ी हॉरर पॉडकास्ट कर चुका हूँ, तो सबका मेरा हमेशा ही क्वेश्चन होता है कि भाई कैसे उनसे बचे। तो एक कॉमन जवाब होता है कि भाई वो उन पर ही अटैक करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। बिल्कुल, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ तो वो आपके ऊपर हावी होंगे ही नहीं। एग्जैक्टली वही चीज। एंड यहाँ पे ना जो कैच था ना, वो ये था कि बेड के नीचे डंडा क्या कर रहा था, इसको मैं लास्ट में ऐड ऑन करूंगा कि ये डंडे वाला क्या सीन आया ना। आप नॉर्मली बेड के नीचे डंडा रख के थोड़ी सो हो गए यार, सिंपल सी बात है सही ना। बात है। तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गांव भी है, कि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कल कोई चोर या रात को कुछ ऐसा ना आ जाए, तो एक प्रोटेक्शन के लिए। बट अगर ऐसे में तो बंदा मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेशन में चोर से लड़ेगा तो नहीं, सिंपल है ना। चलो कमिंग बैक देयर, है ना। तो एक दिन, अब ये दिन का इंसिडेंट है, लिटरली दोपहर का इंसिडेंट। तो ये जो मेरी फ्रेंड है ना, लाइक इसके बुआ जी ने अंदर कमरे में सुलाया हुआ था, शी वॉज स्लीपिंग। नाउ दिस विल बी हार्ड टू बिलीव, ठीक है। तो मेरे को भी ये सुन के आई वॉज लाइक क्यों शिट, ये ऐसे भी हो सकता है कभी, आई टेल यू व्हाट हैपेंड। तो इसके बुआ जी बाहर ना कपड़े धो रहे थे, है ना, एंड ये अंदर सोई हुई थी। एंड ओके, इमेजिन दिस थिंग, बेड है बेड पे, सो जो बेड का सिर वाला साइड होता है ना, जहाँ पे हम सिर रखते हैं, तो वही उसी साइड पे इसका सिर था, और पैर है ना पाँव वाली साइड पे। दिस इज हाउ शी वॉज स्लीपिंग। तो क्या हुआ, ये दिन में हुआ, लिटरली दोपहर में, उस कमरे में कोई भी नहीं था, एंड उसी कमरे में वो डरा करती थी जाने के लिए, एंड उसी में वो बेड था, हाँ, तो वहाँ पे वो सो रखी है अकेली। तो इसको क्या फील हुआ कि कोई इसके आसपास घूम रहा है, दिस इज व्हाट शी फेल्ट। दिन की बात है ये। दिन में हुआ ये, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक ही दम कुछ
कोई इसको खींच रहा है, दिस इज व्हाट शी फेल्ट, कि कोई समवन इज ट्राइंग टू पुल हर पैरों से। अब इसने क्या किया, जैसे सोए हुआ था बच्चा, अब हमें कोई खींचता तो हम कोई भी क्लोजेस्ट चीज़ को पकड़ते हैं सो दैट हमें ना खींचा जाए। तो इसने भी ऐसे क्रॉस करके अपनी बेड की चादर को पकड़ लिया। अब वो ऑप्ट फोर्सेस लग रही हैं, वो खींच रही है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। सबसे बड़ी चीज़, जबान बंद हो जाती है जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है तो इसकी, मतलब शी इज़ लाइक शी कैनॉट स्पीक, कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लाइक यू नो वी ट्राई टू लाइक मेक सम साउंड है ना, कुछ बताने वी ट्राई टू शाउट, निकलती आवाज ही नहीं निकलती है। तो वही चीज़ भी अब इसे बोला नहीं जा रहा, बट दिस इज व्हाट शी इज स्ट्रगलिंग विद। तो अब ऑब्वियसली यार अगर वी आर टॉकिंग अबाउट पैरानॉर्मल, वो जो ये चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो उसने क्या किया, उसने जोर लगाया, नीचे पुल करते हुए उसने इसको घुमा दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे सोई हुई थी, दिस इज द हेड एंड ये पैर थे, तो ये बेड पे ऐसे टर्न हुई 180 डिग्री पर, 90 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर एक और तेज झटका हुआ और ये लिटरली ऐसे टर्न हुई, बेड पर ही घूम गई, बेड पर ही, सो इन टू टर्न्स। तो मतलब जहां सर थे वहां पैर चले गए और जहां पैर थे वहां सर चले गए। एंड अगैन शी इज स्ट्रगलिंग कि मैं बच जाऊं, मतलब somehow ना मैं आवाज लगाऊं किसी को, वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। ये सब चीजें 8 से 9 साल के बच्चे के साथ हो रहे हैं और वो और पैर को, एंड जहां पे उसके बुआ जी उसी घर में बाहर कपड़े धो रहे हैं, तो वो अकेली भी नहीं है वहां पे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगैन वो फोर्सेज ऑब्वियसली दे आर स्ट्रॉन्गर इनफ हमारे से, तो फिर उसने दोबारा जोर से उसको धक्को मारा या पुल किया व्हाटएवर, तो ये घूम के बेड से नीचे गिरी। एंड लोगों को पता होगा ना, लाइक पुराने टाइम्स में बेड के नीचे ना ईंट वगैरह लगाते थे ताकि ब्रिक्स वगैरह, ताकि सफाई नीचे से अच्छी हो जाए, है ना, हाँ हाइट बढ़ जाए थोड़ी सी उसकी, पानी पुनी नीचे से निकल जाए। तो उस ईंट पे ना इसका सिर लगा एंड वो निशान आज भी उसके है। सिर लगते ही ब्लड आया एंड साथ के साथ इसकी वॉमिट, शी वॉमिटेड आउट, सारा वो भर गया और तब उसकी चीख निकली। फिर उसकी बुआ जी भाग के आए एंड देखा सारा कुछ, तो हॉस्पिटल लेके गए, सारा कुछ हुआ है ना। अब इसको एक बच्चे के प्रस्पेक्टिव से देखो कि उसके साथ ये कुछ हो रहा है, अब वो किसी को बता भी नहीं पा रहा, समझा भी नहीं पाएगा ना, तो ये सारा कुछ हुआ। एंड अब उसके बुआ जी और फूफा जी ने ना अभी तक भी इसके जो रियल मॉम डैड थे उसको ये कुछ नहीं बताया, नहीं बताया कि ये सब चल रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो कुछ दिनों के बाद, मतलब चलो इसको हॉस्पिटल लेके गए, दवाई पानी किया व्हाटएवर, है ना, सारा कुछ किया एंड थोड़ा बहुत पंडित को बुला के, मतलब व्हाटएवर वो सारा कुछ किया। कुछ दिनों के बाद इसके दादाजी इसको मिलने आए, ठीक है। तो जब वो दादाजी आए इसको मिलने, तो ये भाग के उनके पास गई एंड लिटरली 10 मिनट भी उनको बैठने भी नहीं दिया। शी वाज लाइक कि मेरे को लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। एंड वो 10 मिनट में इसको लेके अपने वापस घर चले गए, ठीक है। क्योंकि मतलब बच्चे ने कितना वो कर दिया कि नहीं जाओ जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, अब बता तो पाए ना कि क्या चीज़ है, ये हो गया, ठीक है। वो वापस ले गए उनको वहाँ पे, बच्चे ने कोशिश तो की होगी लेकिन समझा, हाँ मैं भी वो एक ही माना नहीं है जो भी है व्हाटएवर, है ना। तो मतलब उस टाइम की मेमोरी है, अभी 7-8 साल का बच्चा और अभी वो बीइंग 22-23 साल की लड़की मुझे बता रही है, तो कुछ चीज़ें भी होंगी शायद जो वॉश आउट भी होगी होंगी। तो जो मोटी मोटी चीज़ें बताई मैंने आपको, सिर्फ वही बता रहा हूँ अभी, है ना। तो जब वो घर चली गई, तो अभी एंड ऑफ द डे क्या हुआ, उस घर में दैट इज़ उसके बुआ जी और फूफा जी के पास अगैन कोई भी बच्चा नहीं रहा, ठीक है। सो ये अभी कुछ साल पहले बातें खुलती हैं, जब somehow अब बड़ी होके 20-21 साल की होके जब उसने अपनी फैमिली को चीज़ें बताई कि ये चीज़ें मेरे साथ वहाँ पे हुई, मतलब मानोगे ये चीज़ें मतलब 10-15 साल के बाद खुल रही हैं। तब उन्होंने अपनी फैमिली में बताया कि हाँ कि ऐसा, मैं वहाँ गई थी तो मेरे साथ ये कुछ हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें क्या निकल के आती हैं, तो जब उसमें थोड़ा और काम रिसर्च वर्क किया जाता है ना, जो इसकी फैमिली ने मतलब व्हाटएवर जो भी आता है, तो जो चीज़ें निकल के आती है वो क्या निकल के आती है कि जो इसके बुआ जी और फूफा जी थे ना, उस घर में उसके फूफा जी की जो मॉम हुई है ना, जो माँ थी उनकी, उनका साया है, वो खुद उस घर में है, उनकी फूफा जी की मॉम जो है। हाँ मतलब फिर वो तो देखा जाए तो उनकी उनका खुद का बेटा, उनका खुद का ही बेटा हुआ, मतलब उसकी माँ, उस लड़की, उसके फूफा जी हैं, उसकी माँ का ही साया उस घर में है। एंड
उसकी माँ ने ये कुछ भी ले लो कि उसने ये ठाना हुआ था कि इस घर का मैं वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगी, बच्चा इस घर में नहीं होने दूंगी, इस घर में बच्चा नहीं आएगा। लेकिन भाई एक माँ ऐसा क्यों चाहेगी कि उसका ही वंश आगे ना बढ़े? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हुआ है ना, तो सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि यार अपने बेटे का मतलब ये तो खुद ही का हुआ ना, मतलब इसमें क्या वो। ओके एक चीज़ मैं भूल गया बीच में बताना आपको, अब ये तो वो चीज़ें थी, अब इसमें एक और चीज़ उसने मुझे बताई कि यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम ना दो तीन जगह पे आती, वो अपने बेटे को कभी कुछ भी नहीं करती थी, एक भी हार्म उसके बेटे को नहीं उसने किया आज तक, बट कुछ कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करती रहती थी। डेली रात को एक चीज़ उनके वहाँ होनी ही होनी, जैसे गांव में सब लोग गाय भैंस पालते हैं ना, तो इन्होंने भी भैंस से रखी हुई थी है ना, वो अब अपने जब आप सोते हो तो अपने जानवर को ना गाय भैंसों को हम लोग वो जंजीर डाल के ना बांध के रखते हैं, तो हर इंसान रात को अपने जानवरों को बांध के रखता है, ये भी बांध के रखते थे। डेली बेसिस पे इनकी गाय भैंस रात को खुल जाती, डेली एक स्पेसिफिक टाइम पे मतलब खुल जाती। अब ये लगा लो कि जैसे गांव में ना ज़्यादातर जैसे बाहर ही सोते हैं लोग है ना, एक आधा पंखा लगा के, सो दिस इज़ हाउ दे यूज टू स्लीप है ना, एंड उसके बाहर ही अपने जानवरों को रखने का बनाया होता था। तो आप सोने से पहले आप अपने सारे जानवरों को बांध रहे हो, अब आप सो गए, अब जब आप आधी रात के आसपास आ रहे थे तो वो जानवर खुल के आपके पलंग के आसपास घूम रहे हैं, तो आप दोबारा उठ के उनको दोबारा बांध रहे हो, और ये डेली का काम है भाई। क्योंकि देखो मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, मैंने भी देखा है जानवरों को बांधते हुए, भैंस हम भी मतलब पालते हैं, हो जाता है जानवर कभी कभी खुल जाते हैं, बट वो होता है कैसे होगा? महीने दो महीने साल छह महीने कभी, डेली तो भाई डेली कैसे होगा, डेली कैसे होगा? और तभी हो सकता है ना कोई जाके खोल रहे, हाँ या तो कोई डेली उसको खोल रहा है, मतलब कोई तो खोल रहा है, अभी अगर चोर चोर के तो भाई वो चुरा के ले जा, सही बात है, तो तू खोल के क्या कर रहा है भाई, तू रोज उसको है ना तो ले जा, नहीं ये भी कोई जानवर कम हो रहा है। और उसके फूफा जी रोज रात को दोबारा बांध रहे हैं उनको, एंड मतलब एक ये ड्यूटी मान के चल लो कि डेली ये होना ही होना, कभी कभार सामान इधर उधर हो जाना ये तो दैट वाज लाइक नॉर्मल सी बात, बट उसने उन्होंने कभी भी अपने जो बेटा है उसको कभी हार्म नहीं किया, ठीक है। तो अब जो इनको बताया गया था कि चूंकि इन्होंने इस अडॉप्ट किया था तो वो था कि हाँ भी इनको मतलब बच्चा नहीं हो पा रहा व्हाटएवर है ना, तो मतलब उस हिसाब से समथिंग हैपेंड कि वो अडॉप्ट कर रहा था। तो अब ये चीज़ों में ये पता लगा कि वो बच्चा आगे होने ही नहीं दे रही, उसका वंशज ही नहीं आगे बढ़ने दे रही। उसका रीज़न क्या था जो बाद में चीज़ें पता निकल के आई कि जो उसकी मॉम थी है ना, तो दैट इज़ जो उसके फूफा जी के डैड थे ना, उनके डैड का एक अफेयर था बाहर, ही वॉज हैविंग एन अफेयर, एंड जो उसके मॉम थे है ना, उसके फुफा जी के डैड का अफेयर था बाहर, और जो उसके फुफा जी के मॉम थे शी वॉज प्रेगनेंट एट दिस टाइम, एंड उन दोनों की जो भी है ना उस हस्बैंड वाइफ की जो भी खटास है व्हाटएवर लगा लो चीज़ों के चक्कर में चीज़ें, उनका दैट इज उसके फूफा जी के मोम और डैड का रिलेशन थोड़ा इतना ख़राब हो रखा था कि वो इतना स्ट्रेस्ड आउट रिलेशन हो गया था कि उसकी मोम ने बीइंग प्रेग्नेंट सुसाइड कर लिया था, मतलब शी वॉज फोर्स्ड टू डू इट, किया खुद ही था बट उनको इतना लाइक पुश कर दिया था कि मतलब परेशान कर दिया कि वो अपने बच्चे के साथ ही मर गई, एंड उनको फिर समहाउ जो जैसे वो कहते हैं तांत्रिक या बाबा पंडित व्हाटएवर, उन्होंने वो चीज़ उन्होंने बता दी थी इनको पहले ही, दैट इज उनके बेटे को भी पता था, उनके फादर को भी पता था है ना, कि इन्होंने ये तुम्हारे बच्चा नहीं रहने देंगे यहाँ पे, इन्होंने ये प्रतिज्ञा ले रखी है काइंड ऑफ या जो भी है ना, कि ये वंश आगे नहीं बढ़ने देंगे, तभी उनके मिसकैरेजेस हो जाते थे, अगर बच्चा पैदा हो जाता था तो 4-6 महीनों में बच्चे की डेथ हो जाती थी, ठीक है। एंड कैन यू बिलीव दिस थिंग कि काफ़ी बड़ा घर था वो, आज भी है, और जो उसके फूफा जी के डैड है ना वो उस घर में नहीं रहते, वो अलग कहीं दूर रह रहे हैं, मतलब अपना ही घर छोड़ के अलग कहीं दूर रह रहे हैं, उस घर में सिर्फ उसके फूफा जी और बुआ जी रह रहे हैं, एंड उनकी मॉम का साया, मतलब ये तीन मोटा मोटा दिख रहे हैं, तो ये तीन लोग रह रहे हैं साया को मिला के, हाँ उसको मिला के वो तीन रह रहे हैं, उसके डैड उस घर में रहते भी नहीं है और वो आज भी अलग रहते हैं, दूर रह रहे हैं। रीजन यही है कि उनको डर लगता है,
कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब क्या कह सकते हैं उसमें तो, बट मतलब स्पेसिफाई तो क्या कर सकते हैं। अब देखो आपने किसी को इतना पुश कर दिया कि सुसाइड कर लिया उसने, वो फिजिकली तो दूर हो गई आपसे, एज अ फिजिकल बॉडी तो दूर हो गई, बट नाउ दिस इज यू नो इवन मोर डेंजरस कि वो इन अ स्पिरिट वर्ल्ड उसी जगह पे है। तो सोचो वो आपके लिए क्या कर सकती है। तो अब ये लगाओ कि आपका मतलब वो अपने ही अपना ही वंश आगे नहीं बढ़ने दे रही है, कि हिसाब से कि मेरा बच्चा और मुझे मार दिया एक पराई, मतलब आई डोंट नो व्हाटएवर है ना। तो ये चीजें कितनी डार्क होती जाती हैं यार, मतलब चीजों को लेके लाइक की सीरियस। दूसरी बात भाई ये है कि जो उनके हस्बैंड यानी कि उनके फूफा जी के जो पिताजी पिता थे, वो खुद उस घर में नहीं रह रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं मैं कहूँगा डर हो, या फिर वो जो आत्मा है साया है वो नहीं रहने देती हो, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा है उन्होंने? मतलब उनके बारे में अभी उन्होंने ऐसा मुझे कुछ बताया नहीं, तो ये कि मैं अपनी तरफ से तो क्या ही बोलूँ, आई डोंट नो। मेरा कभी क्योंकि हमारा हम एक्चुअली ऐसे ही थोड़ी देर के लिए वैसे ही बैठे थे, चीज़ें निकल के आ गई या इतना सही जितना उन्होंने बताया। मेन क्वेश्चन मेरा यही निकल के आया सबसे पहले तो कि वो तो उसकी मोम हुई, वो अपना ही क्यों वंश आगे नहीं बढ़ने देगी, है ना? उसका जवाब मिल गया। हाँ उसका मिल गया था, वही मेन था। एंड सेकेंडली मुझे था कि यार ऐसे वो डंडे वाली बात समझ में नहीं आई थी, ये डंडा निकाल के ये वो, तो फिर बताया कि वो पंडित ने भी ये बता रखा था, उनको बता रखा था कि आप अपने बच्चों का प्रोटेक्शन लेके चलो, क्योंकि उस पंडित ने ये बता दिया था कि तुम अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई बच्चा रहेगा तो वो एज अ अडॉप्टेड चाइल्ड ही रह सकता है, तुम तो भूल जाओ, तुम्हारा खुद का नहीं होगा। हाँ वो तो भूल ही जाओ, अगर कोई रह सकता है तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड रह सकता है, और वो उसको 24 घंटे निगरानी में रखना है। तो शायद उसी चीज के लिए वो कुछ उपाय बताया होगा, दैट्स व्हाई वो उसके उनका जो बेटा था वो तैयार था। एंड अभी वो चीजें हमें थोड़ी ज्यादा है ना लॉजिकल भी लग रही है कि वो रात को एकदम उठ के लड़ने किससे लग गया और कैसे लग गया, बिकॉज ही न्यू कि क्या चीज हो रही है, उपाय बता दिया। हाँ तो वो चीज है कि वो फ्रस्ट्रेटेड, मतलब आप खुद देखो आप एक चीज अचीव करना चाह रहे हो बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो बंदा वैसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो इस हिसाब से वो फिर चीजें जब लूप में देखी जाए तो है ना लो सर्कल में, तो दिस समहाउ मेक सेंस। तो ये था जी भाई, क्वेश्चंस तो भाई मेरे पास काफी है, बट क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, और मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि आपके दोस्त की कहानी है। बिल्कुल आपसे पूछने का मतलब आपसे पूछूंगा तो शायद हमें कोई डायरेक्ट या फिर कोई जो जवाब वो नहीं मिल पाएगा, बट हाँ स्टोरी हमारे पास बेसिकली ये है कि ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसा ऐसा भी होता है जी भाई। इसके अलावा ना आप कुछ और भी बता रहे थे टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कुछ, कि ऐसा okay. भी कुछ हुआ है? दैट इज यू नो वेरी इंटरेस्टिंग। ये किसके साथ हुआ है? ओके इन्हीं के साथ हुआ है, सेम पर्सन, सेम वही जो मेरी फ्रेंड है ना। सो आई टेल यू वन थिंग, ये माना जाता है अगर आप इन फ्रेंड बड़ी हो गई अभी वो शीज ऑफ आई बिलीव 22-23 अभी, एंड ये तो रिसेंट 2 महीने पहले की बात है जो अभी आप बताने वाले, अभी जो मैं बताने वाला हूँ 12 फरवरी 2024 ये अभी गया जस्ट, ठीक है। आई टेल यू व्हाट हैपेंड एंड आई टेल यू वन मोर थिंग इससे पहले, इस चीज को मैं भी मानता हूँ कि अगर ओके वही है कि आई विल रिपीट दिस थिंग कि बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, तो देखो मैं इन चीज़ों को डिनाई नहीं करता हूँ। अगर मैं मानता हूँ कि भगवान है तो भगवान इज पॉजिटिव, तो अगर मैं पॉजिटिव को मानता हूँ, देखा तो मैंने भगवान को भी नहीं है, तो अगर मैं पॉजिटिव को मानता हूँ तो नेगेटिव भी होगा, है ना? आपके मानने ना मानने से नहीं होता है। तो मतलब मैं किसी को गलत नहीं कि नेगेटिव नहीं होता है, आई डोंट चैलेंज एनीवन, ठीक है भाई जो भी है ठीक है, अपने अपनी दुनिया में रहो, मतलब जो भी मानने हो, हाँ, मानना है मान लो भाई, नहीं मानना ना मानो, है ना, वो आप पे है। बट अगर आप इसको मानते हो तो आपको एक चीज और पता होगी कि अगर एक बार कोई भी ऐसी नेगेटिव थिंग आप पे अटैक कर जाए या उसको आपकी बॉडी का प्रवेश मिल जाए, एंट्रेंस मिल जाए, तो ये आपके लिए थोड़ा सा रहेगा, दैट इज नाउ यू आर मोर सेंसिटिव टू देम। अब कंपैरेटिवली आप और एक पर्सन ऐसा जिसके ऊपर कभी भी ये चीजें हावी नहीं हुई, अगर ऐसी चीज को दोबारा कोई बंदा चूज करना पड़ेगा वो आपको चूज करेगा जिसके अंदर पहले भी अटैक हो रखा है, वो इजी रहता है क्योंकि, एंड अगेन वो ये कि जिस पे हो जाता है वो ये चीजें अगर हम इसको ऐसे लेके चलें तो ये ना उन लोगों को थोड़ा ज्यादा पकड़ती हैं जो मेंटली थोड़ा सा वीक होते हैं, मतलब इन द सेंस कि थोड़ा मोर नेगेटिव, थोड़ा वीक, और ये चीज डरे हुए रहते हैं कुछ, मतलब कुछ भी कह लो उसको, है ना, तो वो पहले ही उस स्टेट में रहते हैं, फिर एक एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि वो और टूट जाते हैं, तो वो और इजीली अलाउ कर देते हैं इस चीज को। क्या होता है ना भाई कि अगर कुछ पैरानॉर्मल ना भी हो
तब भी कुछ अगर तुमका ध्यान सीधा वहीं जाएगा। ये भी है, तो पॉसिबिलिटी कि शायद कुछ ऐसा ना भी हो, पर हम फिर पहला थॉट ही वहाँ जाएगा ना। तो इसी चीज़ को लेके आई टेल यू वन मोर थिंग। सो पैरानॉर्मल में मैं लॉजिकली थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ, बट जो चीज़ें साइंस को रिलेट करती हैं इसमें मैं बहुत करता हूँ। एंड ये वही चीज़ है जिसके अंदर तो आई से कि मैं 1000% बिलीव करता हूँ। क्या हुआ था? ओके, सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड। तो जो लोग नियर अबाउट चंडीगढ़ और शिमला के आसपास के होंगे, ये इसको थोड़ा सा ज़्यादा कंपैरेटिवली रिलेट कर पाएंगे। तो व्हाट हैपेंड इज 12 फरवरी को, ठीक है, ये लड़की एंड इसके तीन और फ्रेंड्स, दे प्लान्ड अ ट्रिप टू शिमला फ्रॉम चंडीगढ़, ठीक है। तो आप जब चंडीगढ़ से निकलते हो तो चंडीगढ़ से शिमला बाय कार जाने के लिए आपको नियर अबाउट 4 घंटे लगते हैं मोटा मोटा, ठीक है। तो इफ़ यू ड्राइव सेफ एंड ठीक सी उस पर, तो भाई ये बाय रोड दे स्टार्टेड द जर्नी, है ना। तो व्हाट हैपेंड इज ये थोड़ा आगे गए, तो चंडीगढ़ से इन्होंने जब स्टार्ट किया तो चंडीगढ़ के बाद आता है पंचकुला, ठीक है। तो पंचकुला के ओके हम एक बार ऐसे करते हैं, जर्नी स्टार्ट करने से पहले भी एक बार ही थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट वगैरह कहीं से ले लें सारा कुछ भी, ताकि फिर आगे जर्नी फिर एक सिंगल गो में चलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने पंचकुला के पास जाके एक जगह पे ये लोग रुके जहाँ पे पहाड़ी पहाड़ता शुरू होता है, मतलब जहाँ पे यू एंटर द हिल्स, ठीक है। तो वहाँ पे रुके, मतलब वहाँ पे एक 10-15 मिनट का ब्रेक लिया इन्होंने, एक जो चाय चुए पी थोड़ा ना ऐसा, मतलब दैट इज एक थोड़ा सा 15-20 मिनट का क्वालिटी टाइम स्पेंड किया इन चारों ने, ठीक है। ओके, सो इसको ध्यान में रखना, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट का क्वालिटी टाइम इस जगह पे इन्होंने स्पेंड किया बिफोर स्टार्टिंग देयर जर्नी टू द हिल्स, ठीक है। तो वो करके अभी ये चल पड़े अभी चारों लोग, ठीक है, एंड वो एक ही मौज मस्ती में जा रहे हैं व्हाटएवर, है ना, जा रहे हैं। तो चलते चलते आफ्टर लाइक 3 घंटे वो एक जगह पे पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने पढ़ा कि शिमला आगे रह गया कुछ 12-15 किलोमीटर इतना रह गया, ठीक है। ओके, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि शिमला 12-15 किलोमीटर, दैट इज़ आप 3 घंटे ड्राइव करके इतना पास आ चुके हो शिमला के, एंड फिर वहाँ से आप लोग आगे चले। अब 12-15 किलोमीटर अगर आपने पहाड़ों में भी ड्राइव करनी है तो ज़्यादा टाइम, 12-15 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है। उस बोर्ड से इन लोगों ने 45 मिनट्स ड्राइव की, एंड कैन यू बिलीव ये लोग कहाँ पहुँचे? 45 मिनट्स ना भाई, अगर आराम आराम से भी जाएँ तो आई थिंक ज़्यादा नहीं तो 10 किलोमीटर तो कवर हो जाना चाहिए। छोड़ो 10 किलोमीटर, ओके, इसको ऐसे लेके चलो। यहाँ इन्होंने देखा कि यहाँ से शिमला 12 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। तो यहाँ से जब ये आगे 45 मिनट की ड्राइव पे गए, शिमला यहाँ पे है, शिमला की जगह ये 45 मिनट में पहुँचे पंचकुला। हाँ, ये शिमला पहुँचने की जगह 45 मिनट में पंचकुला पहुंचे, दैट इज जहां पे इन्होंने वो ब्रेक रिफ्रेशमेंट लिया था। इन्होंने यू टर्न तो नहीं ले लिया भाई? बिल्कुल भी नहीं, दे वर ट्रैवलिंग स्ट्रेट। ये ही चीज, आप सीधा जा रहे हो, एंड द मेन थिंग, कितने लोग थे? 4 लोग, और ये सब ये बात मान रहे हैं कि ऐसा हुआ है? हाँ, इन्होंने जो डिस्टेंस 3 घंटे में ट्रेवल किया पंचकुला टू शिमला, दैट इज शिमला से 10-12-15 किलोमीटर पहले, जो 3 घंटे में पहुंचा है डिस्टेंस, वो इन्होंने 45 मिनट में बैक कवर किया। अब यही सबसे बड़ी चीज हो, यू टर्न भी छोड़ो, चलो मैं मान लिया यू टर्न मार लिया वापस आ गए, भाई 3 घंटे का डिस्टेंस आप 45 मिनट में कवर मार दोगे क्या? ये लॉजिकल है? नहीं नहीं नहीं, यू टर्न भी ले लिया मान लेते हैं, तो पहले तो यही लॉजिकल है, 3 घंटे का डिस्टेंस आपने 2 घंटे में कर दिया मान लेते हैं ना, भाई 1.5 घंटे में कर दिया आप डबल स्पीड से आ गए, 45 मिनट में 3 घंटा कैसे कवर कर दोगे? एंड वो भी वापस जहां से यू स्टार्टेड, आप उसी लोकेशन पे जाके आपकी दोबारा आंखें खुल, अरे इधर ही तो चाय पी थी, इधर ही तो रिफ्रेशमेंट किया था। उन लोगों से पूछा उन्होंने, अब क्या हुआ, वो चारों लोग देवर ओके, इनको पता कैसे चला, दैट इज शिमला और दिल्ली, ये ना ऑपोजिट साइड्स में है। तो मैं अगर शिमला की तरफ जा रहा हूँ तो
तो दिल्ली के बोर्ड मेरे को नहीं दिखेंगे, दिल्ली मेरे ऑपोजिट साइड जाएगा। ये सीधा जाते जाते इनको दिल्ली के बोर्ड दिख रहे हैं, दिल्ली चंडीगढ़, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वहां पे दे स्टॉप्ड। देखा कि चारों में से किसी को भी नहीं पता चला कि गाड़ी यू टर्न में आई है। ये कैसे पॉसिबल है? एक को तो पता चलना चाहिए, जो ड्राइव कर रहा है उसी को पता चलना चाहिए कम से कम, या चार तीन जने और बैठे हुए हैं वहां पे, किसी का ध्यान जाना चाहिए। एक भाई गाड़ी घूमती है पता तो लगता है ना। सेकेंडली पहाड़ों पे यू टर्न का तो मतलब ऑप्शन, आप यार आपको यू टर्न के लिए एक दूसरी लेन में घुसना पड़ता है, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज है कि 45 मिनट में कैसे हुआ, 3 घंटे का डिस्टेंस, गड़बड़ है भाई, है ना, बहुत बड़ी गड़बड़ है। एंड फिर क्या हुआ वहां पे, देवर लाइक की ओके नहीं समझ में आया अभी ये क्या हो गया कैसे हो गया, तो चलो समहाउ दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगैन, दोबारा 3-3.5 घंटे में शिमला पहुंचे। अब गाड़ी में पेट्रोल भी डबल लग गया, क्योंकि पहले 3 घंटे गए, 45 मिनट का वापस ड्राइव, फिर 3-3.5 घंटे गए, है ना, ये चीज़ें इस हिसाब से हुई। अब अगली चीज़ ये है कि अब अगर साइंटिफिकली इस चीज़ को सोचा जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक चीज़ की पॉसिबिलिटी से जिसे हम टाइम ट्रैवल कह सकते हैं भाई, हो सकता है काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल, टाइम डायलेशन, बहुत सारी थ्योरीज हैं इसको। ओके मैं अगर अपना जितना लाइक है ना, मैंने इन चीज़ों को पढ़ा है ना, जितना मेरी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, बट आई कैन से इज दिस कुड बी अ टाइम ग्लिच। टाइम ग्लिच, जैसे फॉर अ रेफरेंस मैं आपको अगर मोटा मोटा आइडिया दूँ, ओके साइंटिफिकली आइडिया दूँ, तो आप इसको मान लो जैसे मार्वल्स की मूवी देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, डायरेक्टली आप समहाउ किसी और, है ना, काम। ओके लेट्स मेक इट इजी, फॉर एग्जांपल ये सिर्फ लाइक समझाने के लिए है, जैसे डोन का एनीवे डोर, समझाने के लिए, दैट इज आप जस्ट एक फ्रेम में से दूसरे फ्रेम में कहीं पहुंच गए, ठीक है, उस हिसाब से। सो ये कुड बी, क्योंकि मैं आप देजावू को मानते हो, देजावू को फील भी किया है, किया ना फील, एंड आई बिलीव हम बिलीव काफी ऑडियंस ने देजा वो लोगों ने कभी ना कभी तो किया है ना, बिल्कुल किया होगा। अगर किसी को देजा वो नहीं पता तो लेट मी टेल यू व्हाट इट इज, कि अगर आपके साथ कभी ऐसा आपने फील किया हो कि आपके हिसाब से जो आपका माइंड बता रहा है कि हम पहली बार, आप पहली बार कभी इस सिचुएशन में, इस जगह पे आपको लग रहा है कि मैं पहली बार आया हूँ इस जगह पे, इन लोगों में, मतलब ये सेम सराउंडिंग, हर एक चीज आपको लगे कि ये मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है, बट आपको ये चीज फील हो रही है कि ये तो मैं पहली बार कर रहा हूं, बट समथिंग इज देयर जो आपको बता रहा है कि ये सेम टू सेम इंसिडेंट पहले हो रखा है, दिस इज कॉल्ड देजा वू। एंड जो इस पे जितनी स्टडीज हैं वो ये बताती हैं, इसको लेके चलते हैं पैरेलल यूनिवर्स थ्योरीज, ठीक है, कि अलग अलग टाइमलाइन चलते हैं, कभी भी दो यूनिवर्स की जब टाइमलाइंस क्रैश करती हैं तो वहाँ पे देजावू होता है, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स में आप यहाँ पे भी हैं, आप दूसरे यूनिवर्स में भी हैं, तो इसको ऐसे लेके चला माना जाता है कि जो दूसरे यूनिवर्स के आप हैं उसने ये चीज़ पहले ही देखी हुई है, एंड जब वो और आप दोनों की टाइमलाइन क्रैश होती है तो कुछ टाइम के लिए दोनों का जो माइंड का कनेक्शन है वो चीज़ें सेम सी देख जाता है, ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ पहले हो चुकी है। हाँ, एंड मतलब जो इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि वो उसने देखी होती हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड इट फील्स लाइक कि आपने भी वो देखी, क्योंकि वो क्लैश हो गया। और कई बार तो ऐसे मतलब एक धुंधली धुंधली सी यादें ही रहती है, कम्प्लीटली याद भी नहीं रहता कि यार कुछ ऐसा हुआ, लेकिन लगता है कि कई बार ऐसे भी होता है ना, हमें कुछ लोगों से मिलके लगता है कि इनसे हम पहले मिले हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं ऐसे, कई बार ज़्यादातर पता है ये चीज़ें कब होती हैं, जब फॉर एग्जांपल मैं कोई सामान रखने गया, मैं वहाँ रखे आया, लेकिन मैं बाद में वापस आके देखता हूँ वो सामान मुझे वापस से वही मिलता है, मुझे लगता है यार अभी तो रख के आया था मैं, ये मैं सिंपली बता जो मेरे साथ होता है 2-4 बार हुआ है, तो मैं सोचता हूँ यार छोड़ो यार, मतलब क्या पता मेरे से कुछ गलती हो गई, ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी भाई ये जो पंचकुला वाली कहानी है ना, जो रियल इंसिडेंट जो 12 फरवरी 2024 को हुआ था, यार मतलब मैं नहीं चाहूँगा किसी के साथ हो, क्योंकि दिमाग घूम जाएगा भाई। अरे ओके, यहीं से मुझे एक और रियल स्टोरी याद आई, ये भी मेरे एक क्लाइंट के मेरे क्लाइंट हैं उनके स्टूडेंट्स की स्टोरी है, ठीक है।
आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, शायद अपने काफ़ी जो ऑडियंस होगी ना उसमें से भी काफ़ियों ने ना ये चीज़ फील की होगी कि शिमला वाले रोड पे ना देर इज़ समथिंग, और वो नॉर्मली होता रहता है बहुत लोगों के साथ। तो शिमला वाले रोड पे जो मैं मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ कि देर इज़ एक रोड ऐसा है जो शिमला नहीं पहुँचने देता। ये सुनने में आया हुआ है, ठीक है। शिमला में बरमूडा ट्रायंगल है ना बरमूडा ट्रायंगल तो मैं नहीं बोलूंगा, बट जहाँ पे ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं कि आप समहाउ एक ऐसे रोड पे चल जाते हो जो शिमला जो कहीं पहुंचने ही नहीं देता, कहीं नहीं जा रहा, वो आपको कहीं ना कहीं और लेके जाएगा, ठीक है, वो शिमला नहीं पहुंचे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा आपके साथ कि यू विल बी लाइक ओ शिट। जैसे अभी ये हुआ, अब पॉसिबिलिटी कि ये लोग अब उसको, मतलब आई डोंट नो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, इसको टाइम ट्रैवल के साथ एक्सप्लेन करना है यानी ग्लिच है ये कुछ है, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट आई विल टेल यू वन मोर स्टोरी एंड दिस इज लिटरली वेरी यू नो ट्रू स्टोरी, क्योंकि जिस टाइम पे वो मुझे बता रहे थे ना, उनके मैंने उनके हाथ देखे, मेरे क्लाइंट के, उनके यू नो शी वॉज गेटिंग गूज बम्स इवन की, और ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे बताते हुए भी, आपको भी फील होगा जब ये चीज़ होगी ना, आई विल टेल यू। सो जो मेरे क्लाइंट हैं वो शी इज़ अ टीचर, तो उनके ना तीन स्टूडेंट्स उन्होंने छुट्टी मार के वो कहते चल शिमला ट्रिप पे चलते हैं, तो देवर गोइंग टू अ ट्रिप इन ऑन शिमला बाई कार है ना, तो तीन चार लोग थे, तो जाते जाते ना उन्होंने रास्ते में उनमें से एक को हुआ कि यार चल वो साइकिल वगैरह पे वो नहीं होते संतरे वगैरह लगा के खड़े होते, आपने देखा हुआ है ना, तो वो ना रोड साइड पे ना संतरे वगैरह लगा रखे थे एक बंदे ने साइकिल पे, तो इन लोगों ने कहा कि चले यार संतरे खरीद, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना संतरे परचेज कर लिए, ठीक है, तो संतरे परचेज किए, तो संतरे बने 60 रुपए के 60 रुपीज, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना 50 रुपए दे दिए एंड कहते हुए ठीक है ठीक है ठीक है, और अपना गाड़ी लेके आगे चल लिए। तो ये लगभग आधा पौना घंटा आगे गए, वो सेम संतरे वाला आगे खड़ा हुआ, भाई आई हैव नो वर्ड्स, वो बंदा जो साइकिल पे संतरे बेच रहा है वही सेम उनको दोबारा दिखा आधे पौने घंटे के बाद, और वो गाड़ी में है और वो साइकिल पे था। ओके, इवन द वर्स्ट पार्ट बताऊं, उसने हाथ दिया उनको संतरे वाले ने और बोला कि 10 रुपए रह गए थे। हाउ इज दैट भाई, वो पक्का ना कोई इंसान नहीं था। अब सोचो आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप क्या करोगे, आप जो भी तो भाग लूंगा वहां से, है ना, बट अगर आप भागोगे तो देखो वो तो पकड़ एक हिसाब से पकड़ ही लिया। उन्होंने क्या किया भाई, ढूंढ ढांड के उनको दिए हैं, उनसे निकले 50 रुपए, ठीक है, अभी तो थे ही नहीं, तो 50 निकले, उसको पकड़ाया गाड़ी उठाई और भाग लिया, हाँ भाई पकड़ भाई अपने, और हम निकल लिए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने 1.5 घंटा गाड़ी ड्राइव करी, वो शिमला पहुंच गए। नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड, वो सेम बंदा उनसे पहले माल रोड पे खड़ा हुआ, वो ही बंदा शिमला पहुंचा हुआ, और उन्हें बोल रहे कि तुम्हारे 40 रुपए रह गए थे। यार कसम से मेरे को गूज़बम्स, आई नो इफ यू कैन सी दिस, ये देखो मेरे अभी भी बाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पे भाई, रात के 3:30 बज रहे हैं अभी, एंड आई एम स्टैंडिंग, मैं लिटरली कसम से कह रहा हूँ, मैंने एक भी चीज अपने में नहीं जोड़ी, एक भी चीज अपने आप से नहीं जोड़ी, एक साइकिल पे बंदा ये चीज कर रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल एक कार से ज्यादा आगे, एंड दे सेड कि हमने तो गाड़ी उठाई वहां से, वो पैसे फेंके वहीं पे और हम लोग वापस आ गए, और वो दिन गया और आज का दिन हम शिमला नहीं गए कभी भी। यार भाई तीसरी बार में तो पूछना बनता था भाई, पूछना बनता था अगर वो पूछ लेता कुछ चलो यहाँ पर तो भाई हम हंस रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर हमारे साथ होता कुछ ऐसा, इमेजिन करो, इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ भाई, पॉसिबल मतलब ये मेरे को एक लॉजिक नहीं समझ में आ रहा यहाँ पे कि ये कैसे पॉसिबल है, एक साइकिल पे बंदा एंड वो सेम वही इंसान जो आपको, तो मेरे को यहाँ पे कोई एक भी कुछ मतलब ना लॉजिकल रीजन या फिर है ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यार एक साइकिल वाला बंदा गाड़ी से आगे 2 बार कैसे गाड़ी को काट गया। यार भाई एक बात बताओ, वो बंदा साइकिल पे था, मैं ये जानना चाहता हूँ वो जवान था वो बूढ़ा था वो कैसा दिखता था, ताकि अगर किसी को दिखे तो वहाँ पर थोड़ा सा हम समझ जाएं।
भाई देखो, वन थिंग इज कि मैंने उसको पर्सनली नहीं देखा, वॉज नॉट देयर। भगवान अगर मैं देखूं भी आपके उसको, दोस्त ने बताया पर जो होगा। उन्होंने उनका अपीयरेंस बताया था, दैट वॉज अ देसी नॉर्मल कुर्ता पजामा पहना हुआ एक मिड एज वाला बंदा, कुछ 40-50 की उम्र है ना, एक कुर्ता नॉर्मल जो, पजामा, हाँ मतलब नॉर्मल सा संतरे बेच रहे इंसान, थे साइकिल के हाँ ऊपर। साइकिल के ऊपर संतरे बेच रहा था। एंड आई वाज लाइक क्या चीज़ है ये। आई टेल यू वन मोर थिंग, अभी ये तो आई डोंट नो लोग इसको बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे जो वो टाइम ट्रेवल वाला भी इंसिडेंट हुआ था ना, उसमें देर वॉज अ पर्सन, ठीक है, आई नॉट नेम द रिलीजन, ही वॉज फ्रॉम अ रिलीजन, एंड तो उन्होंने अपने रिलीजन में किसी से पूछा कि ऐसे से एक्चुअली कैसे कैसे, द पर्सन हु वॉज ड्राइविंग द कार, तो उसने पूछा अपने उनमें कि ये क्या हुआ कैसे हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि जिन अपने सियाने या जो भी कह लो ना अपने एक रिलीजन में होते हैं, तो उनसे पूछा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा सीन हुआ जो हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ कैसे हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि मैं तो इसको टाइम ट्रैवल के उस पर लेके चलता हूँ, बींग फ्रॉम अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, कि यार ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेटर है। तो जो उन्होंने बताया, अगर आप इसको पैरानॉर्मल से लेके रिलेट करते हो, तो उन्होंने बोला कि जैसे आपको पता होगा कि भूत प्रेत जिन ये सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये दे आर करण पिशाचनी हो गई, ये सारे ना ये सब अलग 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 लेवल अलग होते हैं, कैटेगरीज हाँ इनके। बहुत अलग अलग कैटेगरीज, अगर आप इनमें डीप जाते हो तो सबकी स्टेजेस अलग आती है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि जो ये काम किसका होता है, जिन जिन्नात का होता है, जो आपको क्या करता है वो आपको किसी भी जगह से उठा के स्मूथली कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और दूसरी बात भाई, मैंने क्या सुना है जिनके बारे में ना, कि जिन ना नॉर्मल हमारे जैसे ही दिखते हैं, वो इंसान के रूप में ही रहते हैं। तो वी डोंट नो कि द पर्सन वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू कैन बी अ जिन। ओके, मेरे पास ना एक बहुत अच्छी स्टोरी है इस चीज़ की, ना बहुत अच्छी स्टोरी है जो हमारे हिंदू ग्रंथों में लिखी हुई है, ठीक है। तो वो अगर मैं उस पर आऊँगा तो एक प्रॉपर, आई बिलीव एक प्रॉपर एपिसोड बन जाएगा वो, तो ठीक है, तो उसके लिए हम कभी और बैठ सकते हैं। तो आई विल टेल यू कि चीज़ें कैसे डिफाइन होती है, अलग अलग चीज़ें, है ना। यहाँ पे मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आई विल नॉट नेम एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटिटी कि ये भूत प्रेत जिन ये जो भी है, ठीक है, वट एवर इट इज। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जिन क्या करते हैं, आपको कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, आपको कहीं भी घुमा सकते हैं। वो क्या उन्होंने उनका बोलना यह था कि तो शुक्र करो कि आपको वापस चंडीगढ़ वाले रास्ते पे ला दिया, पंचकुला ला के रख दिया, पॉसिबिलिटी है कि वो लद्दाख में फेंक देते हैं आपको उठा के, एंड लाइक कह रहे भाई ये काम ये हो कहाँ आ चला, गए। कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो इसी हिसाब से जब हम लोग इसको टाइम ट्रैवल के साथ जोड़ते हैं चीज़ों को लेके, है ना, और सच में बता रहा हूँ, ये जो ये ना एक बड़ी इनकी ना एक अलग सी, यू नो, इनकी अलग सी फ्रेग्रेंस होती है, इनकी अलग सी ना आपको, ओके, थोड़ी सी अगर चीज़ों की नॉलेज होगी ना तो आप पॉसिबिलिटी है कि आप इनको पहचान जाओगे। सो देर इज़ अ कंसेप्ट विच सेज कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इन लोगों का जो पलक झपकने का टाइम होता है ना, वो बहुत लेट होता है, लेट होता है। या तो वो झपकेंगे ही नहीं या बहुत लेट झपकेंगे। तो ये उसका एक वो रहता है कि अगर आप थोड़ा सा इनको ढंग से देखोगे। जैसे आई बिलीव आपने मैन इन ब्लैक देखी है मूवी, देखिए भाई। ओके, नाउ दिस कुड बी अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ों देखो यार, इट्स अबाउट योर माइंड, आप इसको कैसे चलाते हो, ठीक है यार, क्या गारंटी है कि आपके सामने जो भी है वो ही है जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि जो कोई मैन, गारंटी है नहीं ना, है। जो मैन इन ब्लैक में दिखा रखा है कि वो एलियंस हमारे साथ मिक्सअप होके रह रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो चीज़ सच नहीं है, क्या सच में पॉसिबिलिटी है। तो भाई बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इवन अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो ऐसा कहा जाता है एरिया 51 है, वहाँ पे कहा जाता है कि एलियंस को रखा गया है, एंड इवन कुछ एलियंस वो हमारे बीच में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, नॉर्मल जॉब कर रहे हैं। अब देखा जाए तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट कहा जा रहा है, तो हो सकता है, बिल्कुल मैं आपको पॉसिबल। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोज, है ना। ओके, पहले एक चीज इसको मानते हैं कि क्या आप मानते हो एलियंस होते हैं, भाई मैं मानता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर अर्थ पर लाइफ हो सकती है तो डेफिनेटली कोई दूसरी अर्थ भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, भाई नेचर अर्थ, है। हाँ अर्थ ना इस ब्रह्मांड का एक लाइक इतना सा पार्ट है, इतना सा छोटा सा, अगर इसमें समहाउ लाइफ है तो क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी और प्लानेट पे कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में कोई और लिविंग क्रिएचर नहीं हो सकता। मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि
थिंग इज कि हम उनके लिए एलियन हो गए, वो हमारे लिए एलियन हो गए, है ना, सिंपल सी बात है। सो अब एक चीज समझो इसको ना, इसको ऐसे लेके चलते हैं कि हम जैसे अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि किसी ने आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा कर, आप किसी चीज़ की नीड में हो, फॉर एग्जांपल कि आपको, आपने दो चार दिनों से खाना नहीं खाया और संभव मैंने आके आपको चौथे पांचवें दिन खाना खिला दिया, तो आप, है ना, हमारे अंदर से एक चीज़ ये निकलती है यार भाई भगवान है तू तो मेरे लिए, हाँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भगवान हूँ, मतलब वो एक है ना फेज हो गया, बट आपने ये चीज़ बोली, मे बी आपने फॉर एग्जाम्पल आगे जाके अपने बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे एक भगवान बन के आया था बंदा मेरी लाइफ में, और आपके बच्चों ने ये उसको मान लिया कि भगवान आए थे आपको खाना खिलाने के लिए, तो जनरेशन बाय जनरेशन जो चीज़ें आगे ट्रांसफर हुई हैं वो उनका वो चेंज ही हो गया जो मेन वो था, है ना, यू गेटिंग इट पॉइंट, गेटिंग इट, हाँ। सो नाउ द थिंग इज, क्या ये नहीं हो सकता कि इस अर्थ पे जो जीवन शुरू हुआ है, क्या पता किसी और प्लैनेट से कोई हायर, हमारे से हायर बीइंग कोई कभी आया, मतलब लेट्स से कि इसको उसी हिसाब से लेके अर्थ के साथ के हिसाब से लेके चलते हैं, थोड़ा ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब जैसे हम लोग, हमें दिख रहा है कि हम आहिस्ते आहिस्ते अर्थ को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है, रहने का एनवायरनमेंट ख़राब होता जा रहा है, जैसे पता सारा कुछ हो रहा है, वेस्ट मटेरियल्स बढ़ रहे हैं ना, तो अब इससे क्या हुआ, एक टाइम पे अर्थ रहने लायक नहीं रहेगी, बट साथ के साथ हम लोग टेक्नोलॉजी में बढ़िया होते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में दो चीज़ें साथ के साथ चलेंगी, एक तो अर्थ और ख़राब होती जाएगी रहने के प्रस्पेक्टिव से, सेकंडली क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी और बढ़िया होती जाएगी, तो शायद हम किसी और प्लैनेट को भी हम जा पाए, एक्सेस कर सकें। मार्स की तो बात चल रही है, ये तो अभी बातें चल रही है, इतनी जल्दी शायद बहुत जल्दी कुछ ऐसा भी टाइम आ जाए कि हम लोग वहाँ पे संभव रहना शुरू कर दें। अब इसको आप ऐसे लेके चलो कि अगर कि यहाँ से कुछ लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक नए प्लैनेट पे जाना, जाके रहना शुरू कर दें, या फिर कुछ ऐसा प्लैनेट ढूंढ ले जहाँ पे रहने मुताबिक चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक, ओके, इसको ऐसे लेके चलते कि हमने दो प्लैनेट्स ढूंढ लिए जहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, एक है जो ह्यूमंस के रहने के लिए थोड़ा सा लेस सूटेबल है, एक है जो ज़्यादा सूटेबल है, तो हम लोग तो ट्राई करेंगे जो ज़्यादा सूटेबल है वहाँ रहने के लिए, बट जो लेस सूटेबल है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ जाके देखा और वहाँ पे कोई एक लाइफ बीइंग है, अब वो लाइफ बीइंग जब हमें देखेगी कि हम लोग ऊपर से आए हैं, कोई स्पेसशिप टाइप स्टफ में आए हैं, उनको अगर पूछा जाए कि, और हमने उनको कुछ ऐसी चीज दे दी, हमने उनको आग जलाना सिखा दिया फॉर एग्जांपल, या हमें, हमने उनको खाना बनाना कुछ भी एक ऐसी चीज दे दी, तो उनके लिए हम लोग भगवान हो गए एक हिसाब से, कि अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले कि यार तुमने आग जलाना सिखा दिया हमारी, तो सारा कुछ ही चेंज हो गया भाई, तुम तो भगवान ही हो गए हमारे लिए। अब वो ये चीजें अपने बच्चों को बताएंगे फॉर एग्जांपल, एंड अब उनके हिसाब से भगवान कहां से आए, ऊपर से, हम क्या कहते हैं भगवान कहाँ होते हैं, ऊपर, है ना, तो हमने क्या किया, हमने उनको वो चीज़ दे के हमारे लिए, अब हम वहाँ पे नहीं रुके, बिकॉज हमारे लिए जो एक बेटर प्लैनेट था वो दूसरा था, हम वहाँ पे चले गए, बट अब आहिस्ते आहिस्ते जो ये प्लैनेट है ये भी तो ग्रो करेगा, तो वो ग्रो करता 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 करता, अगर आप ये सोचो क्या पता अर्थ भी ऐसे ही बनी हो, जस्ट एक आइडिया, पॉसिबिलिटीज हैं। और हमारे लिए, अब कभी आपने सुना है कि अभी कोई बंदा बोलता है कि मैंने भगवान देखा भाई रिसेंटली या कुछ भी ऐसे, किसी ने नहीं देखा ना भगवान, किसी ने भी नहीं देखा, कोई कहेगा भी तो शायद वो झूठ बोल रहे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता या नहीं देखा भी हो सकता भाई, अगर आप है ना वो है कि स्पिरिचुअल लेवल पे एक अलग ही है ना, वो अलग ही चीजें होती हैं, बट मैं नॉर्मल पर्सन के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या पता अर्थ भी ऐसे ही शुरू हुई हो, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, मैं नहीं कह रहा कि यही है, बट एक व्यू ये भी तो हो सकता है, तो वही चीज़ है कि यार इसी हिसाब से क्या पता कुछ लोग जो उस प्रोफाइल के हैं हमारे अंदर एज ह्यूमंस बन के घूम रहे हो, हमारे क्लीग्स एलियन हो, बिल्कुल पॉसिबल है। और भाई ऐसी तो मतलब ढेर सारी स्टोरी हैं, मैं एक कहानी मैं बताना चाहूँगा। श्योर श्योर जी भाई, सो आई बिलीव फर्स्ट टाइम कि विकास जी अपने चैनल पे अपनी कहानी बता रहे हैं। नहीं, मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास वैसे बहुत कहानी है, लेकिन वो कहानी मैं कभी और बता पाऊंगा। ओके, अभी एक कहानी है गुड़गांव की, काफी लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी। तो उसमें क्या था ना, गुड़गांव के ऑफिस में
एक कॉल सेंटर था बेसिकली, वहाँ पे ना कुछ लोग काम करते थे। तो साल डेढ़ साल काम किया, अब नॉर्मली दोस्ती हो जाती है, कलीग्स हो जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं, डेली बाहर घूमने जाना, लंच टाइम में बैठे एक साथ खाना खाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है, ऐसे ही साल डेढ़ साल तक काम चलता रहा, दोस्ती हो गई, तो आई थिंक 3-4 लोगों का ग्रुप बन गया, जिसमें एक लड़की थी, सॉरी दो लड़की थी और आई थिंक दो लड़के थे, अच्छी खासी दोस्ती हो गई। होता क्या है, उनमें से एक लड़की ना एकदम से ऑफिस आना बंद, ना उसका फ़ोन लग रहा है, ना उसके जहाँ भी वो बताती थी कि जहाँ भी उसकी कैब ड्रॉप करती थी उसे, ना उसके आसपास दिख रही है, कोई ना कोई रिजाइन, ना कोई अपडेट, कुछ नहीं, सीधा गायब। अब होता क्या है, दोस्तों में बात तो चलती है, वो क्यों नहीं आ रही है? अब एक दो दिन कोई नहीं आया तो मे बी पॉसिबल उनकी तबीयत खराब हो, उनके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे होता क्या है, लोगों ने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, एक दिन दो दिन तीन दिन, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, लेकिन जब हो गया ना महीना डेढ़ महीना, तब लोगों को लगा यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो उसके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई है कि वो हमें अपडेट ही नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी अच्छी दोस्त थी हमारी, ऐसे कैसे जा सकती है। उन लोगों ने ऑफिस के रिकॉर्ड से, सबसे पहले जहाँ से वो मतलब रेंटल रहती थी ऑब्वियसली, जहाँ पर वो कैब से उतरती थी वहाँ पता किया, वहाँ पर सबने कहा भाई ये नाम की तो कोई लड़की यहाँ आसपास रहती ही नहीं, या फिर हमने कभी देखा ही नहीं। ऑफिस गए, ऑफिस से उनका एड्रेस निकलवाया, कि कुछ भी कहा कि नहीं जो भी है, मतलब हालांकि ऐसे एड्रेस नहीं मिलता है, बट उन्होंने जुगाड़ लगाया, एड्रेस निकलवाया कि यार हमारा दोस्त है, हमारी दोस्त थी, कुछ तो है, निकलवाया। वो किसी दूसरे स्टेट का एड्रेस होता है, वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, उस स्टेट में जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं, वहाँ जाके क्या देखते हैं, उस लड़की की फ़ोटो ना उसके घर में लगी हुई है, जो एड्रेस था, और उस पर हार है। ओह शिट। जो कि अब उन्हें लगा कि यार ये कब हो गया, कैसे हो गया। उनकी फैमिली वालों से मिलते हैं कि अंकल आंटी क्या हुआ, ये है वो है, कैसे हुआ ये सब, हमें तो पता ही नहीं। अंकल आंटी कहते हैं कि बेटा क्या बताएं, आप कैसे जानते हो इन, उन्होंने पूछा आप कैसे जानते हो इनको, तो बोला हमारे साथ ऑफिस में कलीग हैं ये, अभी जब एक डेढ़ महीने से जब आ नहीं रही थी तो हमें लगा कि पता करना चाहिए। फिर अंकल कहते हैं लेकिन बेटा इसको तो 8 साल हो गए मरे हुए। ओह शिट। तो ये बात सुन के भाई, मतलब ये रियल कहानी है, मैंने भी कहीं सुनी है, गुड़गांव के उस ऑफिस का नाम भी पता है मुझे कि किस ऑफिस की बात है ये, और आई एम प्रीटी श्योर कि उस ऑफिस का वो एक फ्लोर जो है ना वो फ्लोर बंद है अभी भी, ऑफिस चालू है बट उस ऑफिस का एक पार्टिकुलर फ्लोर है, आई थिंक टॉप फ्लोर है या थर्ड फ्लोर है, आई एम नॉट श्योर, वो अभी बंद है, वहां पर कोई काम नहीं करता। तो भाई ये मेरी पर्सनल कहानी नहीं है, मैंने भी सुनी है, हो सकता है इसमें कुछ झूठ हो सकता है ये सच हो, आई एम नॉट श्योर कि क्या चल रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि सच्चा है झूठ है क्या है, बट हाँ मैंने सुनी है, और मुझे मैंने जब सुनी तो मैं भी मतलब वर्ड्स नहीं थे मेरे पास, और अभी भी नहीं है ऐसे, कैसे हो अभी भी ऐसे हो रहा है। तो हम लोग पहले मैं कल जाके सारे अपने क्लीग्स चेक करूंगा, उनके घर जाऊंगा, उनके घर जाके, इसीलिए शायद एड्रेस वेरिफिकेशन होता है आजकल, हाँ ना मैं भी शायद। भाई इसके अलावा ना इसी बीच में ना आपने अपने दोस्तों के अलावा एक स्टोरी आपकी खुद की भी बताई थी जो आपके साथ हुआ है, उसमें क्या हुआ था भाई? ओके चलो भाई, ये हंसी पता कौन सी है, ये वो है कि शुक्र है बच गए वाली हंसी है, वो है ना, ये मतलब हंसियों भी काफ़ी प्रकार की होती है ना। आई टेल यू व्हाट हैपेंड। तो इसमें क्या हुआ, सो आई बिलीव ये आज से ना 5-7 साल पहले की बात है, जब मैं रिसेंटली चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था फ्रॉम लुधियाना, मैं बेसिकली लुधियाना से हूँ ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोगों ने ना एक लाइक घर रेंट पे लिया, घर तो क्या ही लिया, मतलब वो ना एक
ऐसे राइट बिल्डिंग से थी जिसके अंदर ऐसे रूम्स थे, एंड उस रूम्स में कैसा था, जैसे बीच में देर वॉज अ पाथवे और उस पाथवे के अंदर सारे डोर्स खोलते थे। जैसे एक फ्लोर है, फ्लोर पे ऑपोजिट साइड्स पे रूम्स हैं और बीच में पाथवे है, लास्ट में स्टेयर्स हैं एंड इस साइड पे बालकनी है, तो इस हिसाब से ठीक है सिंपल। आमने सामने घर है, आमने सामने रूम है, बीच में गलियारा है, गलियारा है, इसको गलियारा मान के चलो ठीक है। और हम लोग थे ऑन फर्स्ट फ्लोर, जो हमारा रूम था फर्स्ट फ्लोर पे था एंड सेंटर वाला रूम था हमारा ठीक है ओके। तो क्या हुआ, अभी गर्मियों का टाइम था एंड उस टाइम पे ना एसी नहीं लगा हुआ था रूम में, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वहाँ पे लाइक कूलर लगा रखा था। एंड अब कूलर जैसे अगर रूम के बाहर रखते हो ना तो वो ज़्यादा कूलिंग करता है कंपैरेटिवली, अगर हम रूम के अंदर रखते हो ना तो उसकी पीछे वाली बॉडी बाहर होनी चाहिए। तो समहाउ विंडो का ऑप्शन था नहीं कि हम विंडो में से लगाएं, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें ना अपना लगभग गेट को, जो हमारा मेन उसका मतलब एक रूम ही था, दैट वाज अ सिंगल रूम, तो उसका गेट खोल के रखना पड़ता था और फिर बाहर कूलर गलियारे में कूलर लगा रखा था, ऐसा था वो ठीक है। तो क्या हुआ, मैं गेट की तरफ, डबल बेड था मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों उसी पे सोया करते थे ना, तो गेट की तरफ मैं सोया करता था एंड वॉल की तरफ मेरा फ्रेंड सोया करता था, हम दोनों ना ऐसे। तो हमारा काम भी थोड़ा, हम लेट फ्री हुआ करते थे फ्रॉम आर जॉब, तो हम आके जैसे सोते थे, तो समटाइम्स हमारा ना सोने का टाइम भी अलग हुआ करता था, मैं लेट आता था कई बार, वो लेट आता था, तो इस हिसाब से चलता था। तो एक बार क्या हुआ, एक बार लाइक मिडनाइट के बाद का टाइम होगा आई बिलीव, कुछ 1-2 बजे के बाद का टाइम है ना। तो क्या होता है, मैं ऐसे सोया हुआ हूँ एंड मेरा ना मेरा फेस गेट की तरफ था ठीक है, तो मतलब मैं गेट की तरफ फेस करके सोया हुआ था एंड समहाउ मेरी आँख खुलती है ठीक है। तो जो मुझे सामने दिखता है, तो मुझे क्या दिखता है कि जैसे जो एक पूरा डोर होता है वो होता है लगभग 6 फीट के आसपास का ना, 5-6 फीट के आसपास का डोर होता है। तो मुझे क्या दिखा, नीचे का जो 1.5 फुट था ना, 1.5 या 2 फुट लगा लो, उतने में मुझे कोई परछाई दिखी ओके। परछाई वो शेडो नहीं कि जैसे हाथ की शेडो लाइट पड़ने से, वो शेडो नहीं, एक आकार था, दैट वाज आकार ऑफ अ किड, एक बच्चे की मतलब साया मान के चलो, मतलब परछाई तो विल नॉट बी अ गुड वर्ड टू जस्टिफाई दैट, एक बच्चे का परछाया था जो कि ओके वो दैट वाज फुल ब्लैक ठीक है, बट इतना कुछ क्लियर हो रहा था कि वो अंदर देख रहा है ठीक है। अब बेड भी लगभग 1.5-2 फुट ऊंचा होता है जमीन से, तो मुझे वो उतने ही लेवल पे दिख रहा कि उसकी ओके। आप इसको ऐसे मान के चलो कि जब आप किसी को ऐसे छुप के देखते हो तो आपका आधा सिर दिखता है, आधा शोल्डर हाथ ना, ऐसे वाली बॉडी कि आप ऐसे लीन हो रखे हो, तो वो मुझे उतना सा वो दिखा एंड आई वॉज लाइक, मतलब मैं नींद में था एकदम, ऐसे आँख खुली, समझ में नहीं आया मैंने क्या देख लिया, तो मैंने ऐसे एकदम ना आंखें बंद कर ली। तो इतनी देर में वो चीज़ प्रोसेस हुई कि मैंने सच में यही देखा जो मैं अभी अपने आप को लाइक बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से लाइक अपना चादर हटाई एंड आंखें खोली एंड यस, वो चीज़ मुझे सेम दिखी, एग्जैक्टली वही, एक बच्चे का एक बच्चे का साया जो अंदर देख रहा है, ऐसे झुका हुआ, हाँ ऐसे झुका हुआ, ऐसे हम ऐसे छुप के देखते हैं ना, मान लो पर्दे के पीछे से कोई देख रहा है ऐसे, तो ऐसे वो गेट के बाहर से ऐसे अंदर को देख रहा है। भाई साहब मेरी तो फट गई इमेजिन करो यार, आप 2-3 बजे प्रॉपर नींद में और आपको समथिंग कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मतलब मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आया। एंड उस डर में क्या किया, मेरे से क्या हो गया, मैंने जोर से ना दरवाजे को लात मारी एंड दरवाजा बंद हुआ, पर जब आप जोर से मारते हो वो अगेन वो ओपन अप हो जाता है ठीक है। तो क्या हुआ, तो फिर मैंने चादर उड़ गया, फिर सो गया, बट वो ये कि अब माइंड में चल रहा है कि भाई 2 बार क्या दिख गया तेरे को ये, और अब ये डर हो रहा है कि तूने तो अब ना तो दरवाजा बंद हुआ और तूने तो चादर ओढ़ ली, वो अंदर ही तो नहीं आ गया कुछ, मतलब ये क्या है कुछ समझ में नहीं आया। बात है, हमने आंखें बंद कर ली, चीज गायब कर ली, एग्जैक्टली हमारा तो अब समझ में नहीं आ रहा, हिम्मत पड़ नहीं रही कि भाई उठ के कुछ देख लूं, दरवाजा खोल लूं, जो भी है। फिर भी संभाव हिम्मत करके मैंने ना इस्ते से ऐसे चादर उठाई एंड दोबारा चेक ऑन किया, तो वहां पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा उस टाइम पे। तो आई वाज लाइक कि पता नहीं क्या था अभी, शायद वहम, मतलब समझ में ही नहीं आया मतलब क्या था, जो भी था ना। तो हम लाइक कि चलो कुछ नहीं दिखा तो मुझे कंफर्टेबल फील हुआ, तो मैं दोबारा सो गया।
ओके, तो यहाँ तक तो था डरावना, नाउ दिस विल गेट वर्स, क्योंकि इसके बाद जो मैंने फील किया ना, मैं मतलब मैं आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ या फिर कैसे मैं आपको ये बताऊँ कि भाई ये सच है, ये मेरे को मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ भाई। मेरे को भी ये भी नहीं समझ में आ रहा कि उसके बाद मैं जागा हूँ कि मैं सोया हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं जग रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। बट जो हुआ आई विल टेल यू दैट थिंग कि हुआ क्या, उसके बाद मैं उठा, मैं अपने बेड से उठा, मैं बाहर गया, एंड कैन यू बिलीव मैं उठा हुआ और मैं खुद ही को सोया हुआ देख रहा हूँ, एंड हाउ दिस इज पॉसिबल, मैं उठा भी हुआ हूँ और मैं खुद को सोया हुआ भी देख रहा हूँ। ये सपने में हो रहा है लेकिन सपना बहुत ही रियलिस्टिक है, मेरे को नहीं पता ये क्या हो रहा है, मैं आई कांट कमेंट कि ये सच में हो गया। मतलब जैसे मूवीज में बोलते हैं ना कि मान लो इसको ऐसे मान लो कि मेरी आत्मा निकल गई शरीर वो देख रहा है, मतलब कुछ ऐसा ऐसा काइंड ऑफ ये सच हुआ है कि, पर वो अगर ये सपना था तो भाई वो इतना रियल था ना कि आज भी वो एग्जैक्टली पिक्चर मेरे माइंड में छपी हुई है, अगर वो सपना था। और अगर वो रियल था तो भाई मैंने एक बार अपना शरीर छोड़ दिया था। ओ भाई, अब हुआ क्या, जब मैं वो देख रहा हूँ तो अभी मैं अपने शरीर की तरफ वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर निकला उस गेट के पास गया, कैन यू बिलीव वो बच्चा मुझे आगे खड़ा हुआ दिखा, वही परछावा, बच्चा नहीं वो सेम साया, इस बार वो पूरी पूरी दिखाई दी, सेम काला परछाया इतने से बच्चे का, वो 1.5-2 फुट के बच्चे का, एंड उसने मेरे को ऐसे हाथ से इशारा किया आ जा, एंड मैं उसके पीछे गया। ठीक है, मैं उसके पीछे गया एंड जो बाहर बालकनी थी ना, बालकनी की तरफ गए, एंड बालकनी ना हमारी एंड ग्रिल के साथ एंड हो रही थी, तो मैं उसके पीछे गया एंड ऑब्वियसली मैं उसको पकड़ने वाला था कि मैं पकड़ लूँ जाके, कुछ इस प्लानिंग के साथ गया था। तो मैं जब उसके पीछे पीछे जा रहा था तो जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा वो तेज़ भागने लग गया, एंड सेम मैं भी तेज़ भागने लग गया, एंड नाउ हेयर कम्स द मेन थिंग, वो तेज हुआ मैं भी तेज हुआ, हम दोनों भाग रहे, वो भागते भागते उस ग्रिल में से बालकनी में से पार हो गया एंड मैं वहां पे अटक गया, एंड मैं ग्रिल पे हाथ रख के मैं इधर इधर देख रहा हूँ कि वो कहाँ गया, ही इज नॉट देयर। सो अगर वो मेरी भी आत्मा है तो भाई मैं क्यों नहीं क्रॉस कर पाया, अगर वो निकल गया है ना, मतलब वो शरीर है, तो अगर वो शरीर है तो मैं अंदर किसको देख रहा हूँ लेटा हुआ, वो तो मैं ही हूँ, तो मेरे को वो नहीं समझ में आया। मतलब सो दिस इज व्हाट हैपेंड, जिसका मेरे पास आज तक कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, आई डोंट नो ये क्या था क्या नहीं था। आपने हॉस्टल में किसी से पूछा कि उनके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो? ओके, तो ये चीज़ जो हुई तो ऑब्वियसली 2-4 दिन के मैं डिस्टर्ब रहा थोड़ा सा इस चीज़ की वजह से, क्यों समझ ये मुझे आज तक भी नहीं समझ में आया क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद हम लाइक कि चलो ठीक है, फिर जो मेरा रूममेट था ना, 2-4 दिनों के बाद ना कुछ समहाओ हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वैसे मैंने कहा यार ऐसे ऐसे ना, मैं कह यार एक सीन हो गया, तो क्या हुआ, मैंने ऐसे ऐसे सारा इंसिडेंट उसे बताया, तो कह रहा कहता एक चीज़ मैं बताऊँ, मैंने कहा बोल, कहता मेरे को इस रूम में बहुत बार ये फील हुआ है कि एक बच्चा मेरे को दबा रहा है। और वही बच्चा शायद आपको दिखा है मे बी, एंड आई वॉज लाइक सीरियसली, और तूने मेरे को कभी बताया भी नहीं। कहता मुझे था कि मतलब पता नहीं माने ना माने, या फिर मैं कहा यार भाई छोड़ भाई, अब हम भी ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, तो ये नहीं कि स्लीप पैरालिसिस वगैरह पॉसिबिलिटी है, बट एक चीज़ समझो तो स्लीप पैरालिसिस था ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एंड सेकंडली वो भी ये कह रहा है कि बच्चा दबा रहा है, कहता मेरे को हाथ बच्चे के फील हो रहे हैं कि वो एक बच्चा है जो मुझे दबा रहा है, पता नहीं मुझे जगा रहा है दबा रहा है, मतलब समवन इज यू नो पुलिंग मी, कुछ मुझे वो मुझे महसूस हो रहा है कि एक बच्चा है, एंड मैं हर बार उससे संभव बचता हूँ, और ये कहता मेरे साथ 3-4 बार हो चुका। भाई साहब नाउ इट वॉज लाइक कि ओ शिट नाउ दिस इज समथिंग रियली सीरियस, तो कुछ तो करना पड़ेगा इसका, है ना। तो हमने कुछ सोचा भी क्या करें क्या करें, है ना, तो मतलब इतने भी कुछ हमारा थोड़ा टाइमिंग भी, हम थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे उन दिनों में जॉब पे, तो कुछ कर नहीं पाए थे। तो हमने ना एक ओके अब नाउ दिस विल गेट इवन वर्स्ट, तो हमारे ना वहाँ पे पीने के पानी का ना इतना वो था नहीं, तो मतलब ताज़ा पानी आया करता था तो उसका टाइम हुआ करता था कितने, तो आपको उतने ही बजे वो भरना पड़ता था। ठीक है, तो जैसे हम दोनों का ये सीन था कि हम लोग थोड़ा लेट आया करते थे, तो एक दिन ना मी एंड माय फ्रेंड वी प्लान्ड अ मूवी कि हम लोग फिल्म की मूवी के लिए चलते हैं, तो बट उसी टाइम पर ना पानी आना था, तो हमें हमारा एक और लगा लो देयर वॉज अ हेल्पर, हमारा एक लड़का रखा हुआ हमने, है ना,
तो हमने उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे ना अभी 9-10 बजे के आसपास पानी आएगा, तो ना हमारा पीने का पानी भर के रूम के अंदर रख देना, ठीक है। तो ही सेड कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, रख दूंगा। तो हम लोग मूवी के लिए चल गए, तो वो थोड़ा लेट आया, वो लोग 10-10:30 आया। तो उसका कॉल आया कि सर मैं अभी आया हूँ, तो मैंने पानी तो भर दिया, तो मैं घर जाऊँगा, लेट हो जाऊँगा, मैं अभी इधर ही सो जाऊँ आपके रूम पे ही। तो कहला कि हाँ सो जाओ, कोई बात नहीं, हम तो लेट आएंगे मूवी के लिए। तो आते हाँ हैं हम थे भी नहीं वैसे भी, तो हम लेट आएंगे, 2 दिन बच जाएंगे, तो उधर ही सो जा एंड सुबह चल जाना। इज लाइक ठीक है। तो लोग रात को आए एंड है ना, चलो अगले दिन उसने, उस बंदे ने, उस लड़के ने हमें पता क्या बोला कि सर मैं आज के बाद आपके रूम पे नहीं रहूँगा। लाइक क्यों, क्या हो गया? तो कहता सर मेरे को पहली बार लाइफ में कुछ ऐसा फील हुआ है कि एक बच्चा मेरे सीने के ऊपर चढ़ के बैठ गया, मेरी चेस्ट के ऊपर चढ़ के एक बच्चा बैठ गया, यानी तीसरा पर्सन तीसरा ऐसा। पर्सन सेम रूम, एंड उसको इस बच्चे का कुछ भी नहीं पता, उसके भी बच्चा ही फील हो रहा है। स्लीप पैरालिसिस मान लेते हैं उसका भी, पर सबको बच्चे वाला स्लीप पैरालिसिस क्यों हो रहा है, और सबको उसी रूम में ही क्यों हो उसी रहा रूम है? में क्यों हो रहा है? भाई साहब वो था हमारा लास्ट दिन उस रूम में, हमने तो बांधा अपना बोरिया बिस्तरा, अब इतनी जल्दी कहीं और तो जा नहीं सकते थे, हमने फ्लोर चेंज किया, ऊपर वाले फ्लोर में गए, दूसरा रूम लिया, गंगा जल छिड़का, काली माता की फोटो लगाई रूम में, तो पूजा पाजा की थोड़ी बहुत, एंड मतलब रूम के एंट्रेंस पे ही हमने फोटो लगाती थी माता की, है ना। तो उससे पहले हमने कभी प्रे नहीं की उस रूम में, कभी कुछ नहीं किया, है ना भाई साहब। उस दिन के बाद रोज प्रे आरती पूजा सब कुछ हुआ करता था, एंड टचवुड उसके बाद हम उसी रूम में आई बिलीव 1-1.5 साल रहे, पर वो इंसिडेंट कभी दोबारा नहीं हुआ। बट उस सेम बिल्डिंग में मेनली उस फ्लोर के ऊपर, जो बाद में कभी हमें जैसे बात हुई तो कईयों के मतलब 2-3 जनों के और मुंह से सुना हमने कि देर इज समथिंग, एंड सबने बच्चा ही मैंशन किया तो वो उस फ्लोर पे केवल उसी रूम में होता था जो, उस फ्लोर पे या पूरे समथिंग। फ्लोर पे सबके साथ? अरे हाँ आई टेल यू वन मोर थिंग, मेरी ना एक फ्रेंड हुआ करती थी, तो उसको ना उसने लाइक हमारा एक पूरा सर्कल हुआ करता था, ठीक है। तो वो ना वो कभी हमारे रूम पे आई नहीं, कभी भी नहीं आई थी, ठीक है। तो हम बेसिकली जैसे थोड़ा फ्री होके थोड़ा घूम फिर लेते, पार्टी वूटी कर लेते, थोड़ा वो ना समथिंग ऐसा, वो कभी भी नहीं आई थी, उसने फर्स्ट टाइम आना था। ओके सो दिस इज लिटरली लाइक यू नो शॉकिंग फॉर अस। वो आई, वो अपने एक्टिवा पे आई, उसे ये पता था कि इस गली में रूम है इनका, ठीक है। एंड हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था ना वो पार्किंग का था, एंड फर्स्ट फ्लोर पे वो रूम था, सेकंड पे हम लोग बाद में शिफ्ट हुए थे, ये तब की बात है जब हम फर्स्ट पे ही थे। तो उसने उसने अपनी एक्टिवा में बता दिया था हमने उसे कि हमारी अपना पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पे है, उसने एक्टिवा पार्क की, एंड वो इधर उधर देख रहे थे भी कहाँ जाना है, एंड समहाउ मेरा फ़ोन लग नहीं रहा था, मेरा भी और मेरे फ्रेंड का, दोनों का ही फ़ोन नहीं लग रहा था हमारा, पता नहीं मतलब यार जो भी व्हाटएवर है ना। तो वो जाके रूम में गई, वो बैठी हुई थी वहाँ पे है ना, उसमें फिर एक दो रूम लोग, कैसे पता लगा? वो इधर बता रहा हूँ वो रूम में थी, फर्स्ट टाइम आई, एंड हम बाद में आए कि एंड शी वॉज देयर। उसके बाद एक और लड़की आई हुई थी साथ में, उसकी फ्रेंड, एंड फिर हम 3-4 जने बाद में आए, तो वी आर लाइक रूम का ताला खुला हुआ है, एंड जब हमने देखा कि चाबी हमने बता रखी थी कहाँ रखी होती है, तो वी आर लाइक कि यार ताला, तो देखा अंदर वो, एंड फिर लाइक तुम अंदर कैसे? तो शी इज़ लाइक कि पता तो था ना, हमें पता है तू आना था, बट तुम्हें ये कैसे पता कि इतने रूम्स में हमारा रूम कौन सा है? कहते तो नीचे एक बच्चा था, वो छोड़ गया हमें ऊपर। हम लाइक नीचे कोई बच्चा ही नहीं है, हमारे इधर कोई बच्चा ही नहीं रह रहा। आपने उनको बताया बच्चे की कहानी? नहीं, और ये चीज़ तो शायद अगर वो आज सुनेगी ना मेरा, ये शायद उसे आज पता लगेगी ये चीज़, तो बस वो बात होते होते मेरे एकदम दिमाग में आई ये चीज़, ये मैंने आज तक उसको क्लियर नहीं किया। भाई वहां पर आप अभी भी रह रहे हो? नहीं नहीं भाई निकल लिया हम बहुत सही किया। और तो वहां पे जो भी रह रहे हैं बच्चे लोग, आप सबको बताओ भाई कि थोड़ा वहां उसको से तो एक निकले। फिजिकल बच्चा दिखा यार, मतलब साया नहीं, एंड मतलब ये इवनिंग का टाइम था, एक बच्चा उसको नीचे से हमारे रूम तक छोड़ के आ गया। आपने भाई कभी ट्राई किया जानने का कि बच्चे की कहानी क्या है आखिर? भाई फटती है यार, हम तो निकल लिए, कौन बस ठीक है जो भी है, बस खुश रहो हमसे दूर रहो। जी भाई, शायद मैं होता आपकी जगह, मैं भी यही करता, मोस्टली और यही करते हैं बहुत यार, सारे कौन लोग यही किससे करते। किससे और पूछे। ऐसा ही है भाई। बाकी साहिल भाई, आपने 3 से 4 स्टोरीज बताई हमें जो कि रियल इंसिडेंट्स हैं, बिल्कुल एंड सभी सच हैं, सभी चौंका देने वाली हैं। बिल्कुल और अभी सुबह के 4:15 हो गए हैं,
हमने पौने तीन बजे सॉरी पौने चार बजे शायद स्टार्ट किया था, पौने तीन बजे स्टार्ट किया था जी भाई रात को, और अभी 4:15 हो गए हैं भाई। बहुत ही ज़बरदस्त ये पॉडकास्ट हुआ है एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को पसंद आएगा, और अगर ऑडियंस किसी भी स्टोरी से रिलेट कर पाती है खुद को, उनके साथ कभी भी कुछ ऐसा हुआ हो देजा वो या फिर बच्चा दे कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि वो कमेंट्स में बताएं और उनके जो भी फीडबैक हैं शेयर करें। साहिल भाई के साथ ऑलरेडी हमारा एक पॉडकास्ट आ चुका है, उसको जाके ज़रूर देखें, उसमें वो पॉडकास्ट इनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। भाई बहुत ही एक प्रोफेशनल पर्सन है, एक फिटनेस फ्रीक है। इनका पॉडकास्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साहिल भाई, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ द एंड पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।